एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार देशभक्त कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए